भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में हुए पहले वनडे में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन का बड़ा फायदा हुआ है। वो आईसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 19 रन देकर 6 विकेट झटके थे। यह भारत के किसी भी गेंदबाज का इंग्लैंड में सबसे बेहतर प्रदर्शन है। बुमराह ने न्यूजीलैंड के पेसर ट्रेंट बोल्ट और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए नंबर एक की कुर्सी हासिल की है। उन्होंने 5 पायदान ऊंची छलांग लगाकर गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। बुमराह के खाते में 718 रेटिंग पॉइंट्स हैं। अब ट्रेंट बोल्ट दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि अफरीदी तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के पेसर जोश हेजलवुड चौथे पायदान पर हैं। वनडे रैंकिंग में टॉप 10 गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भारतीय नहीं है। उनके बाद जो भारतीय गेंदबाज टॉप 20 में शामिल है वो है लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, वो 20वें नंबर पर हैं। मोहम्मद शमी 23वें और भुवनेश्वर कुमार 24वें पायदान पर मौजूद हैं। बुमराह ने फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट से वनडे के नंबर एक गेंदबाज की पायदान खो दी थी। इससे पहले के 2 साल में वो ज्यादातर वक्त नंबर एक ही रहे। बुमराह कुल मिलाकर 730 दिन तक वनडे रैंकिंग में नंबर एक रहे, जो कि किसी भी अन्य भारतीय से ज्यादा है। बुमराह इससे पहले T20 के भी नंबर एक गेंदबाज रहे हैं। वो फिलहाल टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, जो उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग है। वो कपिल देव के बाद ICC की वनडे रैंकिंग में पहला पायदान हासिल करने वाले भारतीय पेसर हैं। अनिल कुंबले, रविंद्र जडेजा भी वनडे रैंकिंग में नंबर एक रह चुके हैं। उम्मीद है कि बुमराह ऐसा ही प्रदर्शन करते रहें और भारत का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।